लाभुकों को कम अनाज मिलने का जिम्मेवार कौन, नहीं बता पा रही प्रखंड प्रमुख। बाराचट्टी प्रखंड में लाभुकों को कम अनाज मिलने की शिकायत पर स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार एवं प्रखंड प्रमुख देवरानी देवी ने बाराचट्टी स्थित अनाज गोदाम पर छापेमारी करने पहुंचे। वहां वाहन पर लदे अनाजों को वजन करने के दौरान कम राशन मिलने की बातें सामने आ रही है। हालांकि वहां मौजूद प्रखंड प्रमुख देवरानी देवी ने इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए कि सवाल पर सही उत्तर देने से कतराती रही। जब पत्रकारों ने लाभुकों को कम अनाज मिलने के लिए किसे जिम्मेवार माना जाए इस सवाल पर प्रखंड प्रमुख देवरानी देवी ने आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितता का जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने बताया कि लाभुकों के शिकायत पर हमने कार्रवाई की है, लेकिन कम अनाज मिलने के लिए फिलहाल किसे जिम्मेदार माना जाए कहना उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा आम लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज के बजाय 4 किलो तथा मूल्य से अधिक दर पर दी जाती है। इधर डीलरों का मानना है कि गोदाम से ही कम राशन दी जाती है। वहीं आपूर्ति पदाधिकारी भी अक्सर लाभुकों को कम अनाज मिलने की बात से इनकार करते रहे हैं तथा बोरों में कम अनाज मिलने की बात FCI गोदाम पर लगाते रहे हैं। सवाल है कि आखिर गरीबों के लिए आने वाला अनाज कहां गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि उचित मात्रा में लाभुकों को नहीं मिल पा रहा। इसके लिए डीलर दोषी है अथवा अन्य अधिकारी? सवाल यह भी कि क्या जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से डीलर व खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी कहीं गरीबों के अनाज को तो डकार नहीं रहे? इस बात का आखिर उजागर कौन करेगा? आज ये छापामारी जो चली है, मतलब किस लिए चली है? और मतलब छापामारी इसलिए चली है कि जब हम फील्ड में घूम रहे थे चुनाव का वक्त में, तो जनता बोले कि हम लोग का नहीं तो कोई गला मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है, तेल के लिए भी हम लोग बड़ी परेशान रहते हैं, और कोई डीलर जो है कि एक बार डांट के हटा देते हैं। प्रधानमंत्री वाला गला उठ रहा है पूरे बिहार में। प्रधानमंत्री जो राहत कोर्स है वो 5 किलो मिलता है, जिसमें उन लोग का एक ही ठेपा लगता है, वो गला दोनों निकलता है, जिसमें एक परिवार हमको गंगटी के थे, उसको बहुत झोंक झाक हुआ तो हम उसको बुलाए, दो बच्चे था, दो पति पत्नी थे, उसमें एक ठो उनकी पत्नी का नाम। आज क्या अनियमितता पाया गया, मतलब इस छापामारी के दौरान? छापामारी की है कि हमारे जनता का गला नहीं मिलता है भरपूर। उसके बाद इसमें डीलर दोष है या वहाँ पे MO जो होते हैं वहाँ से अनाज कम मिलता है, क्या स्थिति है? MO दोषी नहीं है, MO का दोषी क्यों लगाएंगे? वो तभी तो सामने आ रहा है, गोदामे से ही आ रहा है, गोदाम से अनाज पूरा डीलर को मिल जाता है। ये तो इसीलिए तो मुझे कटा की है कि आखिर का गला मिलता नहीं, क्या सामने आया है ग्रामीण? हाँ, गला कम, ये डीलर का गला पूरा मिल रहा है, कम मिल रहा है। अब तो यहाँ तो कागज बता रहा है कि पता नहीं गला ही कहाँ रख दिए, बेच दिए या गोदामे में छोड़ दिए, इसको जितना गला होना चाहिए वो कागज पर नहीं है। प्रति बोरा पर मतलब इन लोग का पूरा मिल जाता है जितना बजट के हिसाब से? प्रति बोरा पर नहीं मिलता है कि मिलता है, ऐसे ये डीलर जानेंगे, ये गोदाम जानेंगे, मगर हमारे जनता के नहीं मिलता है। हम जनता के लेकर के इस काम, मतलब जनता के आवाज पर आपने इसको कार्रवाई की है? कार्रवाई की है, मतलब मुख्य रूप से डीलर के खिलाफ कार्रवाई है ना? नहीं नहीं, डीलर के खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे? तो इनके खिलाफ ही कार्रवाई है, MO के खिलाफ है, क्या है, क्या मतलब? MO का खिलाफ नहीं, हमारा कहाँ कमी है, वो सामने जो है कि आ तो कौन है इसमें दोषी, कौन पाया जा रहा है? दोषी जो पाए जाएंगे, जो गला कम ही आया, जब हमारा गला तो उसका तो नाम सामने उजागर होना चाहिए मैडम। नाम क्यों दिया जाएगा, हमारा जनता है, जनता हमको ने आज ही हमें लगता है कि 50 गो फॉर्म अभी तुरंत भरवाए हैं अपने चैम्बर में। वो 2-8 का महिला है जिसको अभी तक एक चुटकी गल्ला नहीं मिलता। वो तो ठीक है, लेकिन आज की कार्रवाई का उसका उजागर होना चाहिए आपके माध्यम से, आपके तहत कार्रवाई हुई है तो कड़ाई हुई है तो ये तो उजागर क्या, मैंने कहने की मतलब है कि गल्ला हमारा जनता के कम मिल रहा था तो हम इस पर दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी अभी तो